हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज कुछ नया देखते हैं। मैंने बहुत पहले भी ट्राई किया है, बहुत सारे वीडियोस भी दिया था मैंने मेहंदी के रिगार्डिंग, मेहंदी मेकिंग के रिगार्डिंग। तो पहली बार मैं खुद के स्टोर से, जो मेरा खुद का ब्रांड है, उस ब्रांड की मेहंदी जो मैं बल्क में बना रही हूँ। कैसे बनाएंगे बल्क में, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ऑर्गेनिक मेहंदी बहुत कम मिलता है, मगर आपको रॉ मटेरियल्स हर जगह पे अवेलेबल आजकल हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग खुद घर में बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऑर्गेनिक ख़रीदते हैं। बहुत महंगे प्राइस में आता है ऑर्गेनिक, मगर इनका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी लो बजट में आ जाता है, और अगर कोई घर में बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास 500 ग्राम मेहंदी है और सारे सामान मैंने ले लिए हैं। क्या क्या लगेगा, हमको ऑयल लगेगा, वो ऑयल ले लिया है। मैं मिक्स ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें 3 किस्म के ऑयल है जो मैं खुद मिक्स करती हूँ, यूकेलिप्टस, क्लोव और मेहंदी का तेल जो रहता है वो। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से बोल में मेहंदी ले लिया है 500 ग्राम, और 500 ग्राम में पूरा 1 लीटर पानी जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। पहले हम पानी के साथ अच्छे से रेडी करेंगे इसको। तो मैंने जितना हो सकता है उतना आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो मेरा मेहंदी मेकिंग का अलग से कोर्स भी आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, कहीं पे भी आके, और व्हाट्सएप का भी। तो आप कहीं पे भी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेहंदी मेकिंग के रिगार्डिंग, या फिर आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक मेहंदी चाहिए होगा तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी होता है हमारा। तो देखिए, ऐसा एक डो बन जाएगा, एक टाइट सा डो बनाना है हमको मेहंदी के साथ। तो मेहंदी और पानी का ही मिक्स है ये, और इसमें हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट देखते हैं, मगर मैं ज़्यादातर टाइम अभी जैसे बना रही हूँ बल्क में ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स जलते हैं जो मैं यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, बाद में कभी मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो इसके साथ मैं ऑयल मिक्स करूँगी, और आप देख लीजिए 500 ग्राम जो मेहंदी पाउडर है उसके अंदर मैंने 150 ml के करीब मैंने तेल यूज़ किया है। मेहंदी का जो थिकनेस रहता है वो भी हम लोगों का अलग अलग रहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो बहुत गाढ़ी मेहंदी से जो है मेहंदी का डिज़ाइन बनाए, उनको उसमें आसानी होती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो मार्केट से कोन ख़रीदते हैं उस कोन में बहुत ही ज़्यादा टाइट किस्म का मेहंदी रहता है। तो कुछ लोग उससे कर करके आदत बनी पड़ी रहती है, और जो लोग शुरू से ही ऑर्गेनिक मेकिंग करते हैं या ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को पता है, वो लोग थोड़ा पतला थोड़ा ढीला मेहंदी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो बारीक काम रहता है वो बारीक काम बहुत आसानी से होता है, मगर जो गाढ़ी मेहंदी रहती है वो बारीक काम नहीं दे पाती है। तो मैं खुद भी बहुत ही पतला मेहंदी यूज़ करती हूँ, मगर जब मैं कस्टमाइज्ड मेहंदी बनाती हूँ, बहुत लोग मुझसे ऑर्गेनिक का कोन जब लेते हैं तो उस हिसाब से मैं थिकनेस मेंटेन करती हूँ। फ़िलहाल आप देख सकते हो मैं ये पूरा जो है मेकिंग का आपको दिखा रही हूँ। ये ज़्यादा सख्त तो बिल्कुल नहीं, बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। बस इस तरीके से तेल और पानी और चीनी के साथ आप लोगों को जो है पेस्ट को रेडी कर लेना है। फिर एक पॉलीथीन का पैकेट या कोई भी बड़ा सा प्लेट हो सकता है, एयर टाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
ऐसे इसको पैक करके आराम से किसी वार्म जगह पे, किसी अलमारी में या फिर गैस के पास आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और ओवरनाइट छोड़ने के बाद आपको जो पेस्ट है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऊपर से लाल रहेगी और अंदर से जो है ग्रीनिश रहेगी। तो इसको पहले हम बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब बल्क में मेहंदी बनती है तो हाथ दर्द हो जाता है, तो उसके लिए मैं तो बीटर यूज़ करती हूँ, उससे बहुत आसानी होती है और बहुत आसान तरीके से जो है मेहंदी स्मूथ भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं बीटर का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ। कम से कम आपको ये मेहंदी जो है आप कम में यूज़ कर रहे हैं तो आप हाथ से कर सकते हैं, किसी चम्मच से कर सकते हैं, मगर जब ज़्यादा मेहंदी है तो बीटर का यूज़ करें, वरना हाथ दर्द हो सकता है। तो मैं बीटर का यूज़ करती हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और ये जो हमने ट्रिपल फिल्टर मेहंदी यूज़ की है उसकी जो थिकनेस है वो ऐसी रहेगी। तो अभी हमारी मेहंदी रेडी हो चुकी है, और मैंने पहले से कोन बना के रखे थे, ये मैंने कोन बना लिए हैं, और मेहंदी को जो है कैरेट बैग में ट्रांसफ़र कर लिया था, और अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी कोन में, और उसके बाद कोन का जो है मैं शेप करके और उसके बाद उसमें अपनी ब्रांडिंग करके मैं इसे सेल करती हूँ। मेरा खुद का जो है ऑनलाइन स्टोर है www.arpitamehendi.in। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मेहंदी लेना चाहे तो आप आराम से वहाँ से ले सकते हैं, और फ्री होम डिलीवरी है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, अपने घर बैठे आप आराम से ऑर्गेनिक मेहंदी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। और कलर का जो है वो बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो आप लोग वो भी मुझसे देख सकते हैं, मैं बाद में